हाय फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आजकल बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं रिगार्डिंग कि मैं नया पेट में आना चाहता हूँ। मेरा कोई बिजनेस था, काम था, कोविड के कारण वो उतना नहीं अभी अच्छा चल रहा। भगवान करे बहुत जल्दी आप बैक टू ट्रैक, पुराने अपने काम पर आओ। लेकिन एज ए साइड लाइन जिसमें खर्चा कम हो और मेरे को एक अच्छा ऑप्शन दीजिए कि ब्रीडिंग में अगर आना चाहता हूँ तो कौन सी ब्रीड मेरे लिए बहुत बढ़िया है, फ़ायदेमंद है। तो अभी आपको देखा ही होगा, छोटा सा एक हमारे पास पप्पी है, वो खा रहा है, छोटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये है माय फ्रेंड, ये है ब्रीड जिसको हम कहते हैं शिरजू। बहुत ही छोटी सी ब्रीड रहती है, इनका बॉडी कलर मार्किंग अलग अलग होती है, बट ज़्यादातर ये तीन कलरों में ही होता है। एक कह लो कि वाइट कलर, ब्राउन और इसमें ब्लैक है। अभी कम है, बाद में ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप जो मैं पहले बात कर रहा था, आप इस ब्रीड से अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये घर के अंदर रखा जा सकता है बड़े आराम से, लेडीज भी इनको संभाल लेती हैं। हो सके तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा है 18, 20, 22, 25 साल का, थोड़ा सा इसको गाइडलाइन कि कब खाना देना है कब नहीं देना, हमारे बहुत सारे वीडियोस अलग अलग टॉपिक पर हैं, तो वो भी इसको संभाल सकते हैं बड़े आसान से। बस ओवरफीडिंग का ध्यान रखना है, बाकी दिन में आप जानते हो 4 टाइम खाना देना है। अगर छोटा बच्चा है, बड़ा है तो 3 टाइम देना है, अगर अडल्ट है तो 2 टाइम देना है। तो ये फीमेल आपको बड़े आराम से डिपेंड मार्किंग, डिपेंड क्वालिटी लगभग 25,000 से लेकर 30,000 तक मिल जाएगी। 20 की भी मिल जाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी अगर कह लो कि इसकी क्वालिटी हमेशा इनकी मार्किंग पर निर्भर करती है। जैसे देखो बीच में बिल्कुल सीधा है, दोनों आँखों पर चश्मा बराबर है, राइट पीपियर, तो पीछे भी मार्किंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करती जितनी कि इनकी आंखों का जो चश्मा होता है वो बिग रोल प्ले करता है। छोटा बच्चा है, एक और गाइडलाइन, छोटा बच्चा है अगर आपके पास कोई भी ब्रीड है जो इनका अंडर नोज है, जिसको अंडर नोज कहा जाता है, तो जब भी ये दही खाते हैं कर्ड दे सकते हो। लगभग पहले जैसे डॉग 30-40-50 दिन का है तो आप स्टार्टर फीड दीजिए, सारा लिख दीजिए, लेकिन साथ में कर्ड दही दे सकते हो, वो बहुत बढ़िया रहता है। तो ये ब्रीड हमेशा आप इसका आपको हैंकी के साथ फेस साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो नोज होता है, इनके जो बाल होते हैं यहाँ पर, वो अक्सर छोटे बच्चों की तरह हो सकते हैं कि ऐसे अभी ये दही लगा हुआ है, ये ऐसे लग गया। बट बात है बैक टू टॉपिक, ये लगभग इनकी फीमेल आपको 20,000 से लेकर 30,000 में मिल जाएगी, डिपेंड्स मार्किंग। अगर आपको मेल चाहिए वो 5-7 हज़ार रुपया महंगा होता है, मान लीजिए 25,000 से लेकर 35,000 का आपको मेल मिल जाएगा। लेकिन इनके पप जब भगवान करे 1 साल के बाद, हमें 1 साल की मेहनत करनी पड़ती है, 1 साल के बाद जब आप इनके पप भगवान करे हूँ आपके घर बहुत अच्छे से, तो लगभग इनका प्राइस यही रहेगा जो आजकल मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो पिछले 1-1.5 सालों से चलता आ रहा है, प्राइस इनका लगभग यही रहेगा। और बट आप एक अच्छे पैसे कमा सकते हो, अच्छा मुनाफा ले सकते हो इस ब्रीड से। कोई छोटी ब्रीड है, आपको इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि, क्योंकि अगर आपके पास 25-30 किलो का डॉग होगा, 40 किलो का, तो उसको 2 बार दिन में बाहर घुमाना पड़ता है, तो इसको ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। छोटा घर है, छोटे घर में छोटा डॉग रहकर बड़े आराम से अपनी एक्सरसाइज कर लेगा जितनी इसको चाहिए। हाँ, इनको ग्रूमिंग की, रेगुलर ग्रूमिंग की, ब्रशिंग की जरूरत पड़ती है, बट खान पान में आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम बॉडी वेट कितना जाना होता है, 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो, 6 किलो, तो इस हिसाब से ये खाना भी कितना खाते हैं, बहुत कम खाते हैं अगर फीड या घर का खाना। हाँ, घर का खाना, घर के खाने में कभी भी कोई भी ब्रीड है आपके पास, चाहे वो स्ट्रीट डॉग है, कम्युनिटी डॉग है, जहाँ कोई हाई ब्रीड है, महंगी सस्ती छोटी बड़ी कोई ब्रीड है, तो कभी डॉग को दूध नहीं देते, कभी भी डॉग को नमक वाला कोई खाना नहीं देते, कुछ भी, चाहे कुरकुरे ले या कुछ भी अलग सा घर का बना हुआ दाल सब्जी हो, नहीं देते। और ना ही डॉग को देते हैं मीठा, चॉकलेट कैंडी तो बिल्कुल भी नहीं, या घर में मीठे चावल बने हो, या मीठा और कोई पकवान बना हो, बिल्कुल भी नहीं देते। तो ये 3 चीज़ें डॉग के लिए जहर होती हैं, मैं मानता हूँ, तो आप मत दीजिए। बाकी इसको जो डॉग का बॉडी वेट लगभग 3-4-5-6 किलो जाएगा, वो कितना खाएगा, बहुत कम खाएगा, तो आपका वहाँ भी खर्चा ज़्यादा नहीं है। 30 किलो का डॉग कितना खाता आप जानते हो, 5 से 10 रोटी चौपाती बड़े आराम से एक टाइम में खा लेता है, या इतने बड़े चावल वो खा लेगा, लेकिन इसका खाना कम है, राइट। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है शिरजू। प्राइस जरूर थोड़ा अभी ज़्यादा है, लेकिन आप लगभग जो पिछले 1-2 सालों से चल रहा है इसका प्राइस यहीं पर स्टेबल है, और इनके पप जो बच्चे होंगे वो भी आप इसी दाम में बेच पाओगे, तो आप अभी कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। उसका लीटर साइज अगर कोई पूछे तो इनके 4 बच्चे भी होते हैं, 6 बच्चे भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि 2 बच्चे हों, बाकी आप डिपेंड है कि जब भी आप फीमेल लो
तो फीमेल की थोड़ी हिस्ट्री जो चेक करो कि इसकी मदर ने कितने बच्चे दिए थे, तो एक आइडिया लग जाता है कि बच्चा भी शायद उतने ही बच्चे देगा। तो साल में सिर्फ दो बार ब्रीडिंग हो सकती है, पहली ब्रीडिंग एक साल से प्लस एज में, डिपेंड जो डॉग हेल्थी बॉडी वेट या जो भी कंडीशन है वो उस हिसाब से, तो इसको नीचे छोड़ देते हैं खाने के लिए। तो ये ब्रीड आप ले सकते हो, शिरजू इज द वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड। आजकल बहुत चर्चा चल रहा है, अगर आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते होगे तो हर दूसरी तीसरी चौथी सेलिब्रिटी के पास, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनके पास शिरजू ब्रीड है। बहुत ही ब्लेसिंग भरा डॉग है, अगर आप इसको चाइनीज हिस्ट्री या बुद्धा हिस्ट्री के साथ जुड़े तो बहुत ही धार्मिक कथाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को ब्लेसिंग शेयर करने के बराबर है। अगर आप चाइनीज कल्चर की बात करें तो न्यू ईयर में वो बहुत सारे अलग चीज़ें गिफ्ट करते हैं, लेकिन उसमें से एक पेट भी गिफ्ट करते हैं, तो ये वन ऑफ दोज है। तो आप ब्लेसिंग भी शेयर करोगे, एक अच्छा बिजनेस सोर्स भी आपके पास फ्यूचर के लिए हो जाएगा। और इनकी अगर एज की बात करें तो ये इनकी ये सबसे लंबे जीने वाले रहने वाले धरती पर आपके फैमिली पार्टनर में ब्रीडों में से एक है। उनको इनकी एज तो 15-15 साल से भी ऊपर चली जाती है। तो ब्रीडिंग आप बड़े आराम से, जितना आप इसको टेक केयर करोगे 8-10 साल 6 साल ब्रीडिंग करो कर पाओगे, जितना आप इसको टेक केयर करोगे। तो ब्रीडिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं है कोई ज़बरदस्ती कराई जा सके, क्योंकि अगर डॉग रेडी होगा तभी ब्रीडिंग हो पाएगी। बहुत सारे फ्रेंड ऐसा मानते हैं कि ज़बरदस्ती कराते हैं, ऐसा नहीं होता। जब जितना आप उसको सप्लीमेंट मल्टीविटामिन केयर करोगे दोगे, उतना वो डॉग तंदुरुस्त रहेगा, बच्चे कैरी करने के एबल रहेगा, तो उतने ही आप ब्रीडिंग करना। तो शिरजू ये आपकी वन ऑफ बेस्ट चॉइस हो सकती है। आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो, मेरी बार बार मेरी तरफ देख रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। शिरजू जरूर लीजिए माय फ्रेंड, बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस जो अभी चल रहा है, सो फार वन ऑफ द बेस्ट, बहुत लविंग ब्रीड है, डोर टू डोर फॉलो करने वाली ब्रीड है आपको। और आप घर में कभी भी लोनली बोर नहीं फील करोगे अगर आपके घर में शिरजू है। आइए आपको दिखाते हैं खाने का क्या स्टाइल है इसका। ये ओही ने भोला छोला वाले, भोला छोला जेड़ा यूट्यूब चैनल है जिते तुसी बहुत सारे डॉग्स देखते हो, तुसी इन्हां तो बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे दरवेश लै सकते हो। मेरे दरवेश भी जेड़े हैगे ने मैक एंड मैगी, वह भी मैं इन्हां तो ही लै सी, ते अज बहुत वो जवान होए ने। तुहाडी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, रब तुहानू होर खुशियां देवे। आवर कंपनी नेम इज भोला छोला पेट सर्विसिज एंड फार्म प्राइवेट लिमिटेड एंड वी हैव सर्विसिज ऑल ओवर इंडिया and we have our own website, Android app, iPhone app and we are delivering services to your home destination. Hi friends, बहुत सारे लोगों हमारे friends को ये मालूम ही नहीं है कि हम all over India franchise अपनी दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, हमारे own branded products, accessory, supplement, सब कुछ आप घर बैठे सेल कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए माई फ्रेंड। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट फ्रेंचाइज के रिगार्डिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगी माई फ्रेंड। और फॉर अनदर, आप जानते हो हमारा वीडियो डॉग के हर एक टॉपिक के ऊपर, भगवान ना करे अगर आपके डॉग को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर FAQ सेक्शन भी है माई फ्रेंड। तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए माई फ्रेंड।